हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर की सी लैंग्वेज में। तो देखिए, लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। फर्स्ट वी राइट, टुडेज टॉपिक इज लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लूप क्या होता है। ठीक है, लूप का मतलब ये होता है कि जब कोई कुछ स्टेटमेंट, किसी भी प्रोग्राम के कुछ स्टेटमेंट्स को हमको बार बार एग्जीक्यूट करना हो, तो क्या करते हैं हम, उन प्रोग्राम को एक उन स्टेटमेंट्स को एक लूप में डाल देते हैं। मान लीजिए, सपोज कीजिए आपने कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है, से आपने यहाँ से स्टार्ट किया मेन, और यहाँ पे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, 4, 5, 6, ऐसे स्टेटमेंट्स आपने लिखे हुए हैं। अब इसमें क्या करना है कि मान लीजिए ये तीन स्टेटमेंट्स जो है, ये हमको से सपोज कीजिए कई बार इनको बार बार एग्जीक्यूट करना है। से सपोज कीजिए हमने कहा 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, या 50 टाइम एग्जीक्यूट करना है, या कोई कंडीशन फुलफिल होने तक बार बार इन्हीं स्टेटमेंट्स को रिपीट करना है, तो इस तरह की स्थिति को बोलते हैं लूप। लूप का मतलब ये है कि दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट जो है आपके, या सिंगल स्टेटमेंट, वो बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड लूपिंग। अब इसमें क्या होता है कि इन केस ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द मैकेनिज्म विच मीट्स दिस नीड इज द लूप, एंड लूप्स इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सी लैंग्वेज। तो अब यानी कि अगर हम लोग लूप्स को डिफाइन करें कि लूप्स क्या होता है, तो लूप सिंपली होता है द वर्सेलिटी ऑफ द कंप्यूटर लाइज इन इट्स एबिलिटी टू परफॉर्म ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिपीटेडली। अगर कोई कंप्यूटर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिपीटेडली परफॉर्म कर सकता है, दिस इन्वॉल्व रिपीटिंग सम पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम आइदर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स और अंटिल ए पर्टिकुलर कंडीशन इज बींग सेटिस्फाइड। मतलब जैसे अभी इसमें हम आपको बता रहे थे कि ये जो लाइन्स हैं, ये हमको या तो, से हमने कहा 50 टाइम्स एग्जीक्यूट रिपीट करनी है, तो या कोई कंडीशन हमने दे दी कि साहब अंटिल ए इक्वल टू 10 ना हो जाए तब तक। ठीक है, तो जो भी अभी हम इसको और आगे डीप में पढ़ेंगे, तो बार बार जो रिपीटेशन होता है, इस चीज को बोलते हैं दिस रिपीटेटिव ऑपरेशन इज डन थ्रू ए लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो ये जो रिपीटेटिव ऑपरेशन है, यानी आपको जो रिपीटेशन करना है बार बार स्टेटमेंट्स का, ये किससे अकम्प्लिश किया जाता है, फुलफिल किया जाता है, ये फुलफिल किया जाता है लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर से। ये तो इसका हो गया बेसिक कि लूपिंग क्या होती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि सी लैंग्वेज में देर आर थ्री मेथड्स बाई विच वी कैन रिपीट ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम। यानी कि सी लैंग्वेज में तीन तरह के लूप स्टेटमेंट होते हैं। एक तो होता है यूजिंग फॉर स्टेटमेंट, दूसरा होता है यूजिंग व्हाइल स्टेटमेंट, और तीसरा होता है, देखिए, फॉर यूजिंग फॉर स्टेटमेंट, यूजिंग व्हाइल स्टेटमेंट, और तीसरा होता है यूजिंग डू व्हाइल। तीनों की एग्जांपल लेके हम बारी बारी से आपको बताएंगे। इन तीन तरीके से, फॉर का यूज करके आप लूप चला सकते हैं, व्हाइल का यूज चला सकते हैं, व्हाइल का यूज करके आप लूप चला सकते हैं, और डू व्हाइल का यूज करके आप लूप चला सकते हैं। तो ये तीन तरीके होते हैं। अब इसमें क्या है कि हम बारी बारी से इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाइल लूप से, व्हाइल स्टेटमेंट की मदद से हम कैसे किसी लूप को रन करा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि इसमें आपको समझने के लिए पहले आपको एक एग्जाम्पल लेनी होगी, उसमें क्या करना है ये समझना होगा, और तब हम लोग व्हाइल पे आएंगे। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं कि व्हाइल लूप।
यहां पे हमने लिखा द वाइल लूप। तो ये जो मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, ये एक तरह से ये कीवर्ड है सी में। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि आप एक एग्जांपल ये समझिए कि मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया कि सपोज कीजिए कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर थ्री सेट्स ऑफ पी एन एंड आर। मतलब हमें क्या करना है, हमें सिंपल की क्वेश्चन क्या है, आप ऐसे समझ लीजिए हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो हमें मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट एग्जांपल समझ लीजिए यहाँ पे हमें SI कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हमें मालूम है कि SI इज इक्वल टू होता है पी प्रिंसिपल अमाउंट इंटू एन नंबर ऑफ ईयर्स इंटू आर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस तरह हम लोग इस और डिवाइडेड बाई 100, इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। अब हमने कहा कि अगर हम पी एन आर की तीन सेट ऑफ वैल्यूज देंगे, ठीक है, मतलब हमने कहा कि पी एन आर पहले पहली वैल्यूज हमने ये दे दी, फिर दूसरी वैल्यू हमने पी की ये दे दी, एन की ये दे दी, आर की ये दे दी, फिर तीसरी वैल्यू हमने पी की ये दे दी, एन की ये दे दी और आर की ये दे दी। ठीक है, इसको हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे कि आपको प्रोग्राम बनाना होगा। प्रोग्राम बनाने के लिए सिंपली आप क्या कीजिए, आप पहले इसका फ्लो चार्ट बनाइए। ठीक है, तो फ्लो चार्ट आप इस प्रोग्राम का आप बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, आपने कहा कि से हमने यहाँ से स्टार्ट लिया, से सपोज कीजिए ये हमने लिखा स्टार्ट। ठीक, अब स्टार्ट के बाद हमने क्या किया, एक यहाँ हमने काउंटर ले लिया काउंट इक्वल टू वन, कोई एक वेरिएबल ले लिया काउंट करने के लिए, यहाँ हमने लिख दिया काउंट इक्वल टू वन, इनिशिएट कर दिया इसको। अब उसके बाद हम चेक करेंगे कि काउंट की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, चेक करने के लिए ये हमने बॉक्स लगाया और हमने यहाँ लिखा इज काउंट इज लेस देन इक्वल टू थ्री, अगर तीन या तीन से छोटा है तो क्या करना है, हमको वैल्यूज लेनी है। तो हमने कहा यहाँ पे लिख दिया हमने यस और इधर लिख देंगे नो, ये लिखा हमने यस। तो यस करना है तो क्या करिए, पी एन और आर की वैल्यू इनपुट कीजिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर या इनपुट, फिर से बना लीजिए ये या हमने लिखा इनपुट पी एन और आर की वैल्यू इनपुट किया। ठीक, जब वैल्यू इनपुट हो गई तो कैलकुलेट कर लेंगे सिंपल इंटरेस्ट को, तो यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख के, ये हमने लिखा SI मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाई 100, ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया, इसको प्रिंट कर दीजिए। हमने यहां पे लिख दिया प्रिंट SI, ये हमने लिखा प्रिंट SI। ठीक, अब एक बार की मान लीजिए ये पहली वैल्यूज हो गई और SI यहां पे हमारा SI आ गया, अब क्या करेंगे काउंट को बढ़ा दीजिए, तो हम यहां लिखेंगे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन, तो यहां हम लिख देते हैं काउंट इक्वल टू काउंट इक्वल टू, यहाँ हमने लिख दिया काउंट प्लस वन, बढ़ा दिया एक, और बढ़ाने के बाद फिर इसको चेक करना होगा कि तीन या तीन से छोटा चाहिए, तो यहां से ले आइए काउंट की वैल्यू और यहां लाके इस जगह दीजिए, फिर से ये चेक करेगा, तो काउंट की वैल्यू अभी वन के बाद क्या हो जाएगी, टू, टू हो जाएगी, तो फिर दूसरी सेट ऑफ वैल्यूज इनपुट होगी ये वाली और SI कैलकुलेट हो जाएगा ये वाला, फिर काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन मतलब दो और एक तीन हो जाएगा, तो फिर तीसरी सेट ऑफ वैल्यू एंटर होगी यहाँ पे और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पे, फिर काउंट की वैल्यू थ्री प्लस वन फोर, जैसे ही फोर हो जाएगी तो चेक करेगा इस काउंट इज लेस देन इक्वल टू थ्री, नो,
तो नो के बाद क्या होगा, आपको प्रोग्राम रोक देना है। तो नो पे करने के बाद आप क्या कीजिए, यहां पे प्रोग्राम को स्टॉप कर दीजिए ऐसे। तो ये तो हो गया इसका फ्लो चार्ट। अब आपको क्या करना है, आपको इसी का प्रोग्राम बनाना है वाइल लूप की मदद से। तो देखिए, या तो आप अगर वाइल लूप नहीं यूज करेंगे तो आपको फिर बार बार 3 बार और हर लाइन लिखनी पड़ेगी। उसकी बजाय आप क्या कीजिए, आप वाइल लूप की मदद से जब इसका प्रोग्राम बनाएंगे तो सिंपली देखिए, हमने लिखा से कमेंट लाइन में हमने लिख दिया कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 सेट्स ऑफ PNR, PN एंड R। ये तो हमने लिख दिया कमेंट लाइन में समझने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ डायरेक्ट हम मेन से शुरू कर रहे हैं, हेडर फाइल्स ले लीजिएगा। क्या करेंगे, हम डिक्लेयर करेंगे 3 वेरिएबल, कौन कौन से, इंटीजर हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, नंबर ऑफ इयर्स, या हम लिख दिया काउंट, और फ्लोट हमने डिक्लेयर किया किसको, रेट ऑफ इंटरेस्ट को और सिंपल इंटरेस्ट को। ये आ गया। अब काउंट को हमने इनिशियलाइज किया तो यहाँ लिख दिया काउंट इक्वल टू 1 आ गया काउंट में। और फिर हम क्या करेंगे कि मान लीजिए काउंट इक्वल टू 1 के लिए हमने यहाँ पे हम चेक करेंगे, लिखेंगे वाइल जब तक काउंट क्या है, छोटा है या बराबर है किसके, 3 के, और तब तक क्या काम करना है। तो यहाँ पे हम वाइल की बॉडी लगाएंगे, तीनों वैल्यूज हमें एंटर करानी, तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर वैल्यूज ऑफ पी एन एंड आर, एंटर वैल्यूज ऑफ पी एन एंड आर, ये मैसेज जाएगा स्क्रीन पे, यहां वैल्यू एंटर कराएंगे, स्कैन एफ कर देंगे। तो P क्या है, इंटीजर टाइप, तो परसेंटेज D, N क्या है इंटीजर टाइप परसेंटेज D, और R क्या है फ्लोट टाइप परसेंटेज F। ये हो गया M परसेंट P, M परसेंट N, M और M परसेंट R। ये हो गया, तीनों वैल्यू इनपुट हो जाएगी। जब इनपुट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, SI इक्वल टू P इंटू N इंटू R डिवाइडेड बाई 100, ठीक। और चाहे तो सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंट कर दीजिएगा। तो हमने कहा प्रिंट एफ सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू रुपीज, अब यहां पे क्या करेंगे, परसेंटेज एफ लगा दिया हमने, कॉमा SI लिख दिया ऐसे। और ये एक बार ये काम हो चुका। अब काउंट को क्या कीजिए, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर दीजिए। अब काउंट की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। अब 2 के बाद फिर कंट्रोल कहाँ जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा 2 is less than 3, यस, तो यस हुआ, तो फिर ये लाइनें दोबारा एग्जीक्यूट होंगी। फिर काउंट को बढ़ाएगा 2 के बाद 2 और 1 3, फिर ये देखेगा काउंट इज लेस देन इक्वल टू 3, तो इक्वल टू 3 में आएगा, फिर तीसरी बार ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक। और फिर 3 + 1 जब 4 कर देगा तो यहाँ पे चेक करेगा कि 4 is less than equal to 3, नो, जब नो करेगा तो ये लूप चलना बंद हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से 3 set of values से आप इसकी मदद से आप ये काम इजिली कर सकते हैं, ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये यूज होता है, तो दिस द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स ऑल स्टेटमेंट आफ्टर द वाइल 3 times। द लॉजिक फॉर कैलकुलेटिंग द सिंपल इंटरेस्ट इज रिटन विद इन अ पेयर ऑफ ब्रेसेस इमीडिएटली आफ्टर द वाइल कीवर्ड। दीज स्टेटमेंट फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द लूप। तो ये जो आपका कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका बॉडी ऑफ द लूप। ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये देख रहे हैं, ये स्टेटमेंट्स, ये कहलाता है क्या, ये कहलाता है बॉडी
ऑफ द ब्लू, ठीक। द पैरेंथेसिस आफ्टर द व्हाइल कंटेन्स ए कंडीशन, तो देखिए ये जो पैरेंथेसिस है आप देख रहे हैं ये और ये, इसमें क्या है, ये कंडीशन है कि काउंट इज लेस देन इक्वल टू 3, सो लॉन्ग एज दिस कंडीशन रिमेन्स ट्रू, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये जो बॉडी है ये एग्जीक्यूट होती रहेगी, ठीक है। सो लॉन्ग एज दिस कंडीशन रिमेन्स ट्रू ऑल स्टेटमेंट्स विद इन द बॉडी ऑफ द व्हाइल लूप कीप गेटिंग एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली, टू बिगन विद द वेरिएबल काउंट इज इनिशिएटेड टू 1 एंड एवरी टाइम द सिंपल इंटरेस्ट लॉजिक इज एग्जीक्यूटेड द वैल्यू ऑफ काउंट इज इंक्रीमेंटेड बाई 1। मतलब जब भी ये आपका सिंपल इंटरेस्ट जब भी कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद काउंट की वैल्यू हम एक बढ़ा देंगे, और बढ़ाने के बाद फिर ये यहाँ पे चेक होगा, और अगर 3 या 3 से छोटा है तो ये सारे स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होंगे। द वेरिएबल काउंट इज मैनी टाइम्स कॉल्ड आइदर ए लूप काउंटर और एन इंडेक्स वेरिएबल। तो यहाँ पे चूंकि काउंट की वैल्यू पे ही डिपेंड होके इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो इसको जनरली लूप काउंटर भी बोलते हैं, लूप काउंटर, या आप इसको कह सकते हैं ये दिस इज कॉल्ड इंडेक्स वेरिएबल, ये यूज होता है व्हाइल लूप का। तो इस तरह से व्हाइल लूप की मदद से आप रिपीटेड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो आई होप कि आपको लूप का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अदर टू टाइप जो है, अभी फॉर लूप रह गया और डू व्हाइल लूप रह गया, वो कमिंग वीडियोज़ में उसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।